2005 से मैं लकड़ी का काम करता नहीं था, कॉन्ट्रेक्टर बन गया था। मेरे पास 10-15 लोग काम करने लगे थे, लेकिन होता क्या है उसे सपने पूरे होते हुए नहीं दिख रहे थे। बस कमाता तो ठीक ठाक था लेकिन सब खर्च हो जाते थे। आने वाले महीने के आखिरी दिन में जीरो हो जाता था बैलेंस। बहुत अच्छा इनकम करता था फिर भी जीरो में चला जाता था। होता कुछ नहीं था, लेकिन कुछ समय बाद लगभग करीब 2014-15 के बाद मेरी मुलाकात होती थी एक काफी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनका नाम बताऊंगा। उन बुजुर्ग व्यक्ति मिलने के बाद मुझसे कहें कि आइए सर मैं आपको एक बिजनेस बताता हूँ। मैं बोला क्या बिजनेस बताएंगे, इतने बड़े बुजुर्ग आदमी से मैं क्या सुनूं क्या ना सुनूं। सबसे पहले उन बुजुर्ग आदमी के लिए जोरदार ताली बजा दी। उनकी बात को मैं सुन के इग्नोर कर दिया। बोला क्या इनसे सुनना क्या कहना, भाई मैं एक कॉन्ट्रेक्टर, मेरे पास 10-15 लोग काम कर रहे हैं और इनका मैं क्या सुनूं। ऐसा कुछ अंदर से ठीक है सम्मान करता था सुन करके अनसुन। लेकिन कोरोना आ करके ऐसे तोड़ा कि हालत हो गई खस्ता। संजोग से मैं घर पे पहुंच गया था। होता क्या है इस कोरोना पीरियड में, मैं देखता हूं मैं तो नीचे उतर गया जहां था वहां से काफी ग्राउंड पे, और वो जो बुजुर्ग थे वो बुजुर्ग 10 लाख का कार लेकर के आते हैं, तब यहाँ पे थोड़ा क्लिक होता है भाई वो बुजुर्ग वाकई में बुजुर्ग है। मैं उन बुजुर्ग को थोड़ा सा बुलाऊंगा आपके सामने। सर प्लीज धन्यवाद करना चाहूंगा, ये हमारे अपलाइन हैं जो इनको बुजुर्ग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इनकी उम्र उस समय करीब जब से मैं इनको जानता हूँ 14 साल था, और करीब 16-17 साल की उम्र में इन्होंने बिजनेस को ज्वाइन किया था। और तत्लक जो है कि इनके पिताजी से मेरी मित्रता बहुत अच्छी थी। इनको मैं समझता नहीं था, ये थोड़ा हाइट भी कम ऐसे ही थे छोटे, और मैं कॉन्ट्रेक्टर, लेकिन बाद में पता चला बाकी मैं असली बुजुर्ग है, मैं बच्चा हूँ इनके आगे। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपकी ये बिजनेस मुझे मिला। और सच्चाई ये है कि आने वाले समय में मैं तो क्या कुछ नहीं हूँ, मेरे पास सिर्फ 2 बाइकें हैं अभी तक। आने वाले समय में अपनी टीम में जब तक 4 से 5 कार नहीं आएगा 2021 तक, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। क्या बात जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग लीडर्स। गुड मॉर्निंग, मैं राजू उपाध्याय गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ, और करीब 1 साल से इस बिजनेस को सीख रहा हूँ। और इस बिजनेस में आना नहीं चाह रहा था, जबरदस्ती खींच के लाया गया है, क्योंकि मैं एक कंपनी थी, उस कंपनी में लगा 10-12 हज़ार रुपया भी दिया और देने के साथ वो फुल हो गई। इसके वजह से हमें डर लग रहा था कि अगर कहीं हम दोबारा ऐसा हो जाएगा तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगी। ये हमारे अपलाइन समझिए, भाई समझिए, पिता समझिए, इन्होंने हमें इस बिजनेस में बहुत प्रयास किया 1 साल करीब, मगर मैंने इनकी एक नहीं सुनी। क्यों नहीं सुना, क्योंकि इंटरेस्ट खत्म हो गया था। धीरे धीरे बहुत प्रयास इन्होंने किया, धीरे धीरे इस बिजनेस को देखते गए सीखते गए, और आज सीखते सीखते करीब 1 साल हो रहे हैं। और मन से नहीं किया, मन से तो अभी चालू किया हूँ करना, और इस कंपनी में सीनियर डायरेक्टर हूँ। और आप लोगों की अगर दुआ रही तो 2021 में फोर व्हीलर लेके आ रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। नहीं नहीं, हमारे डाउनलाइन में भी आ रही हैं, जो आपके सामने दिनेश जी हैं, हमारे स्वतंत्र जी हैं, अन्य लोग हैं। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, आप लोग आए हैं इस बिजनेस को सोचिए मत, समझिए मत, कर डालिए, ठीक है ना, करेंगे 100% सफलता मिलेगी आप लोगों को मिलेगी। थैंक यू सर। थैंक यू।